प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। शादी कर रहा है तू? अबे क्या करेगा शादी करके बेटा, ये ऐसा छुआरा है जिसने खाया वो पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। आप भी पछताए थे अब्बा? हाय हाय, पिछले 25 सालों से दो ही काम किए हैं बस, एक तो जंगल की खाक छानी है और दूसरे पछताया हूँ। और कोई काम नहीं किया? और क्या काम, मशोरे जो दिए हैं वो भी तो काम होता है। बेटे, तेरा बाप हूँ मैं, दोस्त नहीं हूँ। कल तक तो आप ही कहते थे कि औलाद अगर बाप का जूता पहन ले तो वो औलाद नहीं रहती, दोस्त बन जाती। मैंने कहा था? अरे किसी और ने कहा होगा, दरअसल बाप गरीब होगा, जूता एक ही जोड़ी होगा, इसलिए उसने औलाद से दोस्ती कर ली हो। अब बातें बड़ी मजेदार करते हैं। तो आज से तेरी दुकान पे बैठ के तुझे समझाएंगे कि उस तरह की धार और कुल्हाड़ी की धार में क्या फर्क होता है। क्यों अब्बा? और वक्त बेहुदा मजाक, ये बता तूने ठेकेदार का सूट सिया के नहीं सिया? हाँ, ठेकेदार का। क्यों क्यों पूछ रहा तू ये? ठेकेदार का था कि उसके बच्चों का था? अबे कहीं तूने ठेका है तो नहीं कर दिया? अरे भगवान, अल्लाह नहीं छोड़ेगा मुझे, वो गई नौकरी हाथ से। थक गया यार, अब हिम्मत नहीं थी भागने की। अच्छा ये तो बता, ये खे का है क्या होता है? मत पूछ, तेरी समझ में नहीं आएगा, फारसी है ये। बैठ जा बैठ जा। ये ला यार, ये बता ये बॉन्ड कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? पता नहीं यार, आजकल वैसे भी वो बहुत चुपचुप रहता है, ना पहले जैसे हंसता है, ना गाने गाता है, ना ही अपने कुलचे की बात करता है, पता नहीं कहाँ रहता है। मुझे लगता है कि बॉन्ड और नसीमा में कुछ अनबन हो गई है। वो परवेज है ना परवेज, वो भी हर दम नसीमा से चिपका रहता है। अरे सुबह को स्कूल में और शाम को देर तक नसीमा के घर पे। दाल में कुछ काला है, तू पता तो कर। कैसे पता करूं यार, किससे पूछूं, बाण से पूछूं, लेकिन वो मिलना भी तो चाहिए। पता नहीं कहां भटकता रहता है बेचारा, पता नहीं। मैं वादा करता हूं मैं खूब जी लगा कर पढ़ूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्चों के साथ बैठ जाऊंगा? नहीं जमील, तुम वहां नसीमा के साथ अलग से बैठ जाओ और ये जो भी पढ़ा है उसे दिल से पढ़ने और याद करने की कोशिश करना। ध्यान रहे, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। और नसीमा तुम अपने स्टूडेंट को ले जाओ और शुरुआत कर दो। मैं ये काम जो सबसे जिम्मेवारी का काम है तुम पर सौंपता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें
कामयाबी हासिल हो जाएगी। चलो क्या जरूरत थी तुम्हें साजदा के साथ इस तरह पेश आने की? अरे तुम्हें मालूम है कि वो कितनी परेशान है और क्या उसकी दिमागी हालत है, और तुमने उसी को डांट दिया? तो और क्या करूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं नहीं मरा उसके साथ। पिछले 8 वर्षों तक मैं कैसे सोया कैसे जागा ये सिर्फ मैं जानता हूं या मेरा खुदा, पर अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अनिजू तू मर्द है, तू बर्दाश्त कर सकता है, सब जानते हैं कि तुझ पर क्या गुजर रही है। मैं तो तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी बर्दाश्त की दाद देती हूँ। बुलबुल बाग में सबको मालूम है कि तुम एक एक पल साजिदा के साथ कैसे गुजार रही हो। खुदा भी देख, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। और कितना इम्तिहान लेगा वो? मैं एक कमजोर इंसान हूँ, मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ। उसे मैं कैसे बताऊं कि जो आस उसने लगाई है वो बेमकसद है? बुरी रहमत को कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? बस अलीजू बस, ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी? और उधर साजिदा को देखो, एक कोने में पड़ी है बेचारी। उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं देती। देखो, तुम उससे प्यार से बात करोगे तो तुम्हारी बात मान जाएगी। अरे मुझे परेशानी ये नहीं कि वो मेरे घर में है, मुझे तो परेशानी ये है कि तुम यहाँ अकेले इस हाल में। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? खा लिया। झूठ मत बोल, रख मेरे सर पे हाथ। देखा, सुबह से खाना भी नहीं खाया और उधर वो साजिदा है इस परेशानी में भी एक ही बात कह रही है कि अलीजू ने खाना नहीं खाया होगा। कितनी परेशानी में तुम्हारे लिए। चलो उसे मना ले और घर ले आ। फिर क्या होता था? होता क्या था, जैसे ही तुम्हारे बाबूजी घर से बाहर निकलते मैं अपने घर का काम खत्म करके तुम्हारे घर चली जाती, फिर घंटों देर तक बातें हुआ करती थी। तुम्हारी माँ मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगी और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अगर मैं अपने घर पे ना होती तो मास्टर जी के घर पे होती, बिमला अपने घर पर ना होती तो साजिदा के पास होती। क्या जमाना था बेटा, आंखें बंद करूं तो लगता है जैसे कल की ही बात। मुनीर और हरी छोटे छोटे थे, कभी कभी तो ऐसा होता कि अगर मुझे मेरे घर से आवाज पड़ती तो मैं मुनीर की जगह हरी को उठा के ले जाती और घर जाके पता चलता कि ये तो मुनीर नहीं हरी है। माँ भी आपको बहुत याद करती हूँ, माँ अक्सर यहाँ की बातें सुनाया करती थी। मेरा जिक्र किया कभी उसने? वो आपको भूली कब? कोई किसी को नहीं भूलता, लेकिन साजिदा जब गप्पों में लग जाती है तो ये भी भूल जाती है कि उसका शौहर भूखा प्यासा है। ओह, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो भूल गई थी। बस यूं ही सोचा, बहुत दिनों बाद घर से निकली हो, आ जाओगी। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, नाराज होता तो तुम्हें यहाँ लेने तो नहीं आता। सच कह रहे हैं? तुम्हारी। मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं घर जाती कुछ खाने को बनाती। अरे परवेज मलिक। कौन है, फरमाइए। आपका नाम परवेज मलिक है? जी हाँ। मैं हाजीपुर पुलिस चौकी से आया हूँ, इंस्पेक्टर साहब ने कल आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। लोन साहब का पता मिल गया? मुझे तो कुछ पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने सिर्फ आपको इत्तला करने के लिए मुझे भेजा था। अच्छा तो मैं चलता हूँ। या अल्लाह, कुछ अच्छी खबर हो। मुनीर, मुनीर सही सलामत हो, मेरी बात की इज्जत रह जाए, वरना
मुनीर के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? उनका सामना कैसे करूंगा? हरि और किशन को भी मैं नहीं बुलाया था, लेकिन उस बार मैं सिर्फ तेरी मेहरबानी से बच गया था। लेकिन, लेकिन आज अगर मुनीर को कुछ हो गया तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। लाग मदनो महबूब भाई, महबूब भाई, महबूब भाई, आप इस गली में हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है? भाई जान ढूंढ रहे थे, कह रहे थे आपसे कोई जरूरी काम है। अच्छा, चलो उनसे कह देना कि मैं अभी भी बाहर से आया हूँ, हाथ मुंह धोकर उनसे मिलूंगा। हाथ मुंह क्यों धोते हो, वो तो साफ है। ऐसा करो अपनी कमीज के आस्तीन से मुंह पोछ रहा बस। चल फिर अभी मिलते हैं। चलो कहाँ है? दुकान पर है। चलो मुंह ने पूछा? अरे उसकी जरूरत नहीं है, कहाँ है वो? हमारे भाईजान का मुंह तो आपसे भी गंदा है। ऐसे नहीं कहते। चल क्या हो गया तुझे भाईजान? भाईजान! अरे मोटे क्यों चिल्ला रहा? अरे महबूब भाई आप आ गए? अभी अभी शहर से आ रहा हूँ, रास्ते में हबीब मिला और कहने लगा कि भाईजान बुला रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। आना ही पड़ा, क्या बात है? अब बात तो खास है लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, अब इस गधे का क्या कहूँ। अब जा मुका देख रहा। तंदूर की तरह गर्म क्यों हो रहे हो? जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन जो आपने कहा वही किया मैंने। ठीक है, जरूरी बात करना है, जा। जाता है या तू एक? जाता हूँ जाता हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? याद है ना वो जिगरी वाली बात? बेवकूफ है, कुछ ना कुछ कहते ही रहता है। हाँ किसे बुला रहा है? हाँ आइए, वो परवेज से बात कर रही। हाँ बात तो की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जी शादी के लिए तैयार है। यानी उसने इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, उसने कहा कि नसीमा को अभी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और फिर किसी पढ़े लिखे से शादी करनी चाहिए। किसी और से मतलब? अरे तुम फिक्र मत करो, उसे सिर्फ इतना ही कहना कि नसीमा को पढ़ाई करनी चाहिए, मैं फिर बात करूंगा उससे। ठीक है लेकिन घबरा क्यों रहे हो, मुझ पर छोड़ो, मैं फिर परवेज से बात करूंगा। ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है ना। हाँ तो मैं चलता हूँ भैया। खुदा खुदा हाफिज। जनाब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूं, रशीद की सलामती की खबर सुनाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मुझे उम्मीद है कि रशीद जल्दी ही। देखो मजीद, हर काम के लिए थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है, सब्र करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कब तक जनाब? फिर वही बात, देखो इतने उतावलेपन की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि बातचीत जारी है, और फिर ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, सरकार अपनी तसल्ली चाहती है। मैं रशीद की गारंटी देता हूँ वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे सरकार को। तुम तो कानून को जानते हो ना, कानून के अपने तरीके होते हैं और हमें उन तरीकों को अपनाना पड़ता है। देखो तुम किसी बात की फिक्र मत करो। मुझे आप पर पूरा यकीन है सर, रशीद को अगर सजा का खौफ होता तो क्या वो लौट कर आता? वो वाकई माफी मांगने आया है सर। तुम जज्बाती हो रहे हो मजीद खान, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। जनाब यकीन नहीं आता कि ये वही मजीद खान है। डार साहब, मजीद खान अगर इस मामले में कुछ कर सकता होता तो अभी तक हो गया होता, मगर मुझे तो लगता है कि या तो ये कोई बहुत बड़ी बात है या फिर मजीद खान के अपने अख्तियार से बाहर है। दिल छोटा मत करो सूफी साहब, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। कब आ रहा है आपका लाडला? जब इनकी मर्जी होगी। क्यों भाई, क्या मैंने उसे यहाँ आने से रोक रखा है? अरे भाई पढ़ने गया है और आ जाएगा एक आध दिन में। मगर आजकल तो उसकी छुट्टियां होंगी। हाँ वो वहाँ ट्यूशन पढ़ाता है ना। देखिए ना चिट्ठी आई है, देखिए जावेद की है क्या? बड़ी लंबी उम्र है उसकी, अभी जिक्र किया और खत भी आ गया।
ये क्या किया आपने? इसे पूछिए। डार साहब, ये खत किसका था? हामिद का, हमेशा यही करते हैं। डार साहब, खत पढ़ा भी नहीं आपने और फाड़ दिया? ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी हामिद का खत आता है ये फाड़ के फेंक देते हैं। तो उसका खत आता रहता है? और क्या, अक्सर लिखता रहता है। पता नहीं क्या लिखता होगा, उसका आयाल कैसा होगा। तुम चुप नहीं रह सकती सारा? बाजार में बैठकर शोर कर रही हो। सब लोग जानते हैं उसने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया। नालायक कहीं का। ठीक है, चुप रहती हूँ। और मैं कर भी क्या सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तब बताती कि मैं क्या कर सकती हूँ। डार साहब, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी समझता हूँ, इंसानियत के इस बाजार में मैं खुद हार गया हूं। मेरी तरफ देखिए डार साहब, रशीद के चक्कर में मैं कितनी बार मरा हूं और कितनी बार जीने की आह भरी है, ये तो अल्लाह ही जानता है। डार साहब, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो हमेशा रशीद का बचपन का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। तब मेरी रूह सिर्फ एक ही दुआ मांगती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, रशीद का घर बसा दे, उसे अपनी रहमत का साया बख्श दे, मुझे मेरा भाई लौटा दे। सूफी साहब, इतने साल बीत गए, हामिद यहां एक बार भी नहीं आया। इतने दहशत में हम गुजरे, उसे कोई परवाह नहीं। खुद गरज कहीं का, अपना घर बताया, शादी की, अच्छी नौकरी मिल गई, बस। मैं जीऊं या मरूं, उसे कोई मतलब नहीं। सारा तो उसका क्या रिश्ता है उसे मालूम नहीं। और जावेद उसे जानता तक नहीं, तो कैसा रिश्ता। मैं इनकार करता हूं ऐसे रिश्तों से। इन 10 सालों के दहशत भरे माहौल ने हमारे सारे रिश्ते नंगे करके कसौटी पर खड़े कर दिए। उनका सारा तामझाम उतार फेंका है। इनकार है मुझे ऐसे रिश्तों से, ऐसे जज्बों से जो इंसान को रुलाए, उन्हें कमजोर बनाए और उन्हें आगे बढ़ने से रोके। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, देख लेना, एक दिन सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। सोते लीजो ठहरी। भाभी ठीक कहती हैं डार साहब। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल आपसे ज्यादा मैं बेचैन था इस मुलाकात के लिए। खैर, ये हैं लोन साहब। इनका पता तो मैंने उसी रोज लगा लिया था, लेकिन लोन साहब किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? लोन साहब, जैसा कि आपको रियाज साहब ने बताया ही होगा कि हम लोग मुनीर अहमद को तलाश कर रहे हैं, जिसे आपने गिरफ्तार किया था। हाँ बेटे, मुनीर को मैंने ही गिरफ्तार किया था। फिर मेरा मतलब है, फिर मुनीर का क्या हुआ? होना क्या था, इस वक्त अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा होगा। मतलब मुनीर अहमद जिंदा है? तब तक तो था। लोन साहब, मुनीर वैसा लड़का नहीं था। मुनीर और हथियार, ये मुमकिन नहीं। आपके ख्याल से मुनीर ऐसी हरकत नहीं कर सकता था? जी बिल्कुल। जब उसने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया तो हम और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। फिर भी मुझे यकीन था कि मुनीर ऐसा काम नहीं कर सकता, मगर वो एक ही बात कहता रहा कि ये काम उसी ने किया है। जिन 2 लड़कों को उसके साथ गिरफ्तार किया था वो बाद में छूट गए। एक रोज पुलिस इनकाउंटर में कुछ लोग मारे गए, उसमें वो दोनों भी थे। तो फिर इस वक्त मुनीर अहमद कहाँ होगा? सेंट्रल जेल या किसी और जेल में होगा। सलाम।
चाय लाऊं? चाय बनाऊं सिंबा? सोचने दे। काम करना है, बहुत मुश्किल काम करना है। चाय ला। अच्छा मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? नौकर हूं मैं, सर्वेंट? नो सर्वेंट। उसको कुछ नहीं करना। फैसला हो गया है। जिसकी सीढ़ी है वो ही करेगा। किस बात का फैसला बाप? फाड़ दे, सारे खत फाड़ दे, गाड़ दे। औलाद जान का रोग बन गई ना बेटा। मैं क्यों करूं? मां बाप मर गए बचपन में, कुछ इधर कुछ उधर। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने अपने कर्म। या खुदा बच्चों को चाय नहीं पिलाएंगे? चाय मैं नहीं संभाल सकता हूँ। तुम्हारी औलाद है, तुम संभालो। मैं नहीं संभाल सकता। मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है सबका? अल्लाह हूँ होशियार, खबरदार अल्लाह हूँ। खुदा रहम करे दादा, संभव के तेवर को आज ठीक नहीं लगते। बिल्कुल वैसा ही अंदाज है जैसे आज से 10 साल पहले था। तो सुनबब बात भी पहलियों में करते हैं। खुदा रहम करे। चलिए और देखो अपने नवाबजादे को, काम धंधे पे जाना बंद कर दिया है। आने दो दोपहर को, खाना खाने आएगा ना, तब उसकी खबर लेता हूँ। क्या करोगे? मार डालोगे उसे? अरे उसकी उम्र के दूसरे बच्चों को देखो, पढ़ लिख कर कामयाब होकर आए हैं, और तुमने अपने बच्चे के लिए क्या किया? तांगा जोत दिया। अरे तांगा चलाने वाले की औलाद है, तांगा नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा? अरे शुक्र कर मैंने इसको गधा नहीं दे दिया। तुमने कोशिश की उसे पढ़ाने की? और बच्चों को देखो, हरी नहीं पढ़ रहा, किशन नहीं पढ़ रहा। पढ़ना लिखना पंडितों का काम। क्यों, परवेश को देखो, मास्टर काशीनाथ ने उसे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? वही तो कह रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा। परवेश तो पहले ही आधा पंडित है। नहीं, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी तरह जाहिल नहीं थे। आज बुलबुल बाग का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है। क्या चाहती है? मैं उस ऊँट के गले में एक बस्ता और सलेट बांध के उसे स्कूल भेज दूँ? इसकी जरूरत नहीं है अब्बा, मैंने खुद ही स्कूल जाना शुरू कर दिया है। स्कूल जाएगा है? तुझे शर्म नहीं आएगी उस छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ने में? बनेगा क्या डॉक्टर, मिनिस्टर, इंस्पेक्टर? क्या ये? मैं नहीं जानता अब्बा, नहीं जानता। ये तो तालीम लेने के बाद ही फैसला करूंगा कि मुझे करना क्या है। तुझे जो करना है वो मुझसे पूछ। तेरी अकल नहीं है तो तू मेरी अकल से काम ले। तुझे तांगा चलाना है और सिर्फ तांगा चलाना है। मैंने कह दिया मैं तांगा नहीं चलाऊंगा। मेरे लाल को बेइज्जती महसूस होती है तांगा चलाने में, हतक महसूस होती है। किसी भी पेशे से इंसान की हतक नहीं होती अब्बा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और अगर मैं मना कर दूं तो? मना करके तो देख तू। देख सही साहब, खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। हर वक्त लड़ाई झगड़ा। जिस वक्त मेरी उम्र थी उस वक्त मेरे हाथों में किताबें देने के बजाय मुझे घोड़े की लगाम पकड़ा दी, और जिस वक्त मुझे कलम चाहिए थी मेरे हाथों में चाबुक थमा दी। जरा सोचो अब्बा, मेरे उन तमाम दोस्तों के बारे में जिनके साथ में कल तक खेलता कूदता था, आज वो मुझे रास्ते में छोड़कर कहां से कहां निकल गए हैं। मैं कुछ बनना चाहता हूं, तालीम हासिल करना चाहता हूं। मैं आपकी कसम खाके वादा करता हूं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपकी औलाद होने का सारा कर्ज अदा कर दूंगा। सुन लिया तूने? वही बड़ी बड़ी बातें, औलाद का कर्ज, मेहनत रात दिन। अब पता नहीं कौन सी फिल्म देख क्या है। स्कूल जाता है, तुम्हारी तरह जाहिल गवार नहीं है। एक दो दिन के लिए तुम भी स्कूल हुआ, कुछ अकल की बातें सीख लो। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ माँ। मुझे तुम्हारी मर्जी में आए ना वो करो, जो भी करना हो करो। मिल जाएगा, लाट साहब बनेगा, पता नहीं क्या करेगा माँ। बंदा परवर थाम लो जिगर बन के। अबे जरा कस के हाथ चला, ये औरतों की तरह क्या हाथ चला रहा है? पेड़ नहीं काट रहा हूँ, पजामा सिल रहा हूँ। मेरा काम है, मुझे करने दीजिए।
तो जरा ठीक से तो कर बदमाश। फिर गाली? गाली को छोड़, उससे क्या कहा था तूने? उससे किससे क्या कहा था? से मिलके ईद मना